दोस्तों अगले 5 मिनट्स में आप सीखेंगे एक मोटिवेशनल शॉर्ट बनाना जो आपको लाखों में व्यूज देगा और सब्सक्राइबर्स भी। सो प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखें। इसके लिए आपको स्टार्ट करना है गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम पर जाइए और टाइप करिए हिंदी मोटिवेशनल कोट्स। इसके बाद हम पहले ही यूआरएल पर जाते हैं, पहली वेबसाइट पर ज्ञानगंगा। यहाँ से हमने पहला कोट चूज़ कर लिया है, डूब कर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निकलो। इसको हमने नोटपैड पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हमें ज़रूरत होगी इसके बैकग्राउंड वीडियो की, जो कि हम ले सकते हैं पिक्सल से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक वीडियो इसमें स्विमिंग की बात की गई है, डूबने की बात की गई है। तो इसके लिए हम कीवर्ड सर्च करेंगे स्विम, उसके बाद हमने एक वीडियो चूज़ करना है। यह वीडियो बेस्ट है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, आपको भी ऐसा ही करना है। और डाउनलोड करने के बाद अब हम जाएंगे क्लिपचैम्प पर। क्लिपचैम्प एक फ्री सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए और बहुत ही इजी है। इसे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, किसी भी तकनीकी ज्ञान के बिना आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमने आना है इम्पोर्ट मीडिया में, हमने वो वीडियो इम्पोर्ट कर लिया है। वीडियो को हमने इस तरह से ड्रैग करा देना है। ड्रैग कराने के बाद हमें इसको 9:16 के रेशियो में लेना है, जो कि शॉर्ट का रेशियो होता है, शॉर्ट वीडियो का साइज़ होता है। अब आप देख सकते हैं ये वीडियो स्क्रीन पर आपके प्ले हो रहा है 9:16 के रेशियो में, डायमेंशन में। अभी आपको वीडियो एक बार पूरी तरह से लोड करना है। लोड करने के बाद अभी आपको उस टेक्स्ट को कॉपी करना है जो आपने टेक्स्ट कोट का टेक्स्ट वेबसाइट से उठाया था। इसके लिए हम चूज़ करेंगे सिंपल प्लेन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हमने इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करा दिया है फुल लेंथ में, आप जितना चाहते हैं उस लेंथ में। और मेरी रिकमेंडेशन है आप जितना वीडियो को जितना शॉर्ट रखेंगे टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए पूरी लेंथ में, और टेक्स्ट रीडेबल होने के साथ साथ विजिबल होना चाहिए। विजिबल टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा होता है, आपका बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होगा और फ्रंट स्क्रीन पर टेक्स्ट रीडेबल होगा। इस तरह से मैंने इसको टेक्स्ट को रिसाइज इसका साइज फिक्स कर दिया है, इसका कलर चेंज कर दिया है रेड में, रेड कलर। बैकग्राउंड के हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात का याद रखना है, एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि देखिए मैंने अभी वीडियो प्ले किया है। वीडियो पूरा प्ले होने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप जहाँ पर भी टेक्स्ट पूरा पढ़ पा रहे हैं वहाँ से वीडियो को कट या क्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट टू स्पीच टूल का यूज़ करूँगा। ये बहुत ही आसान टूल है जिसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी कंसर्न आपको लगता है, कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया हमारे अपने कोड को, और यहाँ पर प्ले करके हम देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट प्रॉपर टेक्स्ट टू स्पीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार इसकी स्पीड को, स्पीच स्पीड को, वॉइस पिच को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज में और ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। प्लीज सब्सक्राइब कम कर देता हूँ जिससे डूब कर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग। एक कोट के लिए जो आइडियल डूब कर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। प्लीज सब्सक्राइब, मतलब 5 से 10 के अंदर होना चाहिए। तो ये वीडियो हमारा रेडी होके तैयार है। डूब कर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे। डूब कर मेहनत करो अपने आज में। अभी आप देख सकते हैं, अभी अब हमें जरूरत। डूब कर मेहनत करो अपने। अभी प्रॉब्लम क्या, क्रिएटर्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स इशू क्या फेस करते हैं, चोरी होने का, वीडियो चोरी होने का। आपने मेहनत की, उसके बाद किसी और ने उस वीडियो को कॉपी पेस्ट किया और अपने यूट्यूब पे चैनल पर अपलोड कर दिया और वहाँ से उसने व्यूज और सब्सक्राइबर्स अर्न कर लिए। तो इसके लिए हम वाटर मार्क लिखेंगे अपने चैनल का, या अपने अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा वीडियो अब रेडी है, वीडियो रेडी है। इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे हमें एक्सपोर्ट पर जाना है और बेस्ट जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है 1080, उसको सेलेक्ट करना है HD क्वालिटी, और आपका वीडियो MP4 में एक्सपोर्ट हो रहा है। और जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक अगर आप चाहें तो SEO पर रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड पर रिसर्च कर सकते हैं, या वीडियो की टैग पर रिसर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू फेस हो रहा है वीडियो बनाने में क्लिपचैम्प पर, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। और सारी डिस्क्रिप्शंस, पिक्सल की डिस्क्रिप्शंस, क्लिपचैम्प अगर आपको डाउनलोड करना है उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसका लिंक मैंने, उसका URL मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे रखा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें उस वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।